सोचा है कि आसमान नीला क्यों है और सूर्य में इतनी ऊष्मा आती कहाँ से है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इसी सवालों के जवाब आपको देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना समय गवाए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में इंसान अभी तक ज्यादा तथ्य जुटाने में असमर्थ रहा है। ये ब्रह्मांड में उपस्थित एक ऐसी जगह है जो एक रहस्यमय कारणों के कारण जानी जाती है। ब्रह्मांड में ब्लैक होल के होने का रहस्य इंसानों को काफी समय पहले से ही पता था, लेकिन इसके काले वर्ण और रहस्यमय संरचना के कारण इसको लेकर वैज्ञानिकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद बना। वैज्ञानिक इसे समझाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बलों के सिद्धांत की मदद लेते हैं। जब कोई चीज़ ब्लैक होल के इवेंट ऑफ होरिजन के पास चला जाता है तो उसका वापस लौटना लगभग असंभव है। इवेंट ऑफ होरिजन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर से कोई चीज़ वापस नहीं आ सकती। उस पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। ब्लैक होल के अंदर गिरने से आपका शरीर खाने वाली चौमिन की तरह हो जाएगा। तो जानिए ऐसा क्यों होता है। कल्पना कीजिए कि आप ब्लैक होल में गिर गए और आपका शरीर और पांव उंगली विपरीत दिशाओं में खींचते हुए चले जाएंगे। परंतु मैं बता दूं कि खिंचाव कुछ इस तरीके से होगा कि आपका शरीर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल असीमित गुरुत्वाकर्षण का भंडार है। गुरुत्वाकर्षण के इतने अधिक मात्रा में होने के कारण प्रत्येक वस्तु ब्लैक होल की ओर खींची चली जाती है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो चलिए आज इसके पीछे की फिजिक्स को जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। वो रंग हैं विबग्योर यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल से गुजरता है तो वो प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित कण, जलवाष्प और छोटी छोटी बूंदों से टकराकर फैल जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ये कण प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं और सूर्य के प्रकाश को वर्ण विक्षेपण करके एक स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। इन सभी रंगों में से ब्लू रंग की वेवलेंथ सबसे कम और रेड रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, जिसके कारण ब्लू रंग पार्टिकलों से टकराकर अधिक फैलता है। सूर्य के प्रकाश के इन सभी रंगों का प्रकीर्णन कणों के साइज पर निर्भर करता है। अगर वायुमंडल में उपस्थित सभी कणों का आकार छोटा है तो वो कम वेवलेंथ वाले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। इससे नीला रंग पूरे आसमान में फैल जाता है और हमें आसमान नीला दिखाई प्रतीत देता है। तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और सोचिए कि अगर वायुमंडल ना हो तो क्या हमें आसमान नीला दिखाई देगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश के रंगों का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, जिससे हमें आसमान काले रंग का दिखाई देगा। वीडियो को पॉज कीजिए और विचार कीजिए कि अगर आप पृथ्वी से अत्यधिक ऊंचाई पर जा रहे हो और नीचे देखने पर आपको आसमान किस रंग का दिखाई देगा? ऊपर से देखने पर आसमान काला नजर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल अनुपस्थित होता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य में इतनी अधिक ऊर्जा कहाँ से आती है? तो चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं। सूर्य के इतने अधिक वजन होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 3,00,000 गुना भारी है। सूर्य के इतने अधिक वजन के कारण इसके केंद्र पर एक बहुत विशाल दाब उत्पन्न हो जाता है। जिस समय सूर्य की उत्पत्ति हुई तब यह दाब एक बड़ी मात्रा की ऊष्मा का कारण बना और सूर्य के अंदर उपस्थित हाइड्रोजन के अणुओं ने जलना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन का जलना एक न्यूक्लियर रिएक्शन है।
इसी कारण इस प्रक्रिया को फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर हीलियम गैस का निर्माण करते हैं। हीलियम गैस बनने के बाद ऊष्मा, प्रकाश और रेडिएशन भारी मात्रा में निकलती हैं, जिसके कारण सूर्य चमकने लगता है और चारों ओर रेडिएशन फैलाता है। इस प्रक्रिया के दौरान हर सेकंड 600 टन हाइड्रोजन जलती है, और इस रेट से जलने पर भी सूर्य में अभी इतनी हाइड्रोजन है कि वह अगले 5000 मिलियन सालों तक इसी प्रकार जगमगाता रहेगा। इसी हाइड्रोजन के जलने से उत्पन्न ऊष्मा की वजह से सूर्य इतना गर्म है। सूर्य की इस ऊर्जा को 9,30,00,000 मील पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट से कुछ अधिक समय लगता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का बहुत छोटा सा भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। इस छोटे से भाग का 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है, और कुछ ही पेड़ पौधे सोख लेते हैं। फैक्ट नंबर टू, क्या आपने कभी सोचा है कि सैटेलाइट क्या होती है? तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि सैटेलाइट क्या होती है। आप कहोगे ये सैटेलाइट है, लेकिन जरूरी नहीं कि सैटेलाइट ऐसी ही दिखती हो। सैटेलाइट यानी ऐसे उपग्रह जो अपने से कई बड़े ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके हिसाब से चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है और पृथ्वी भी एक सैटेलाइट है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन सभी प्राकृतिक सैटेलाइट से प्रेरणा लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अलग अलग मकसद के हिसाब से खुद सैटेलाइट बनाए और उन्हें पृथ्वी की कक्षाओं में छोड़ दिए। ये सैटेलाइट मानव जीवन में अहम भूमिका निभा रही हैं। टीवी के सिग्नल, मौसम का हाल, मोबाइल में GPS नेविगेशन, फोन पर बातचीत आदि सभी काम सैटेलाइट की मदद से ही हो रहे हैं। इसी तरह सैटेलाइट का प्रयोग कुछ देशों पर निगरानी रखने के लिए भी किया जाता है। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद अब भारत विश्व की चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है। DRDO के वैज्ञानिकों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का निर्माण किया है, जो कि अंतरिक्ष के मोर्चे पर दुश्मन के खिलाफ एक बड़ा हथियार है। यह मिसाइल अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। युद्ध के दौरान कई दुश्मन सैटेलाइट से नज़र रखते हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल उन सैटेलाइट को नष्ट करने में सक्षम है। वैज्ञानिकों के इस सफल प्रयोग के जरिए भारत ने दुनिया को यह मैसेज दिया है कि हमारा देश थल, जल और नभ के साथ अंतरिक्ष के मोर्चे पर भी दुश्मन से निपटने में सक्षम है। फैक्ट नंबर वन, क्या आपने कभी सोचा है कि रॉकेट किस तरह काम करता है? तो इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं। इसकी वर्किंग को जानने से पहले हमें जानना होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के लॉ को एक्शन रिएक्शन का लॉ भी कहा जाता है। न्यूटन के इस नियम के अनुसार अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरे वस्तु द्वारा भी उस वस्तु पर उसी परिणाम का बल, किंतु दिशा में विपरीत एक बल लगाया जाता है। इसी नियम के अनुसार जब आप बंदूक चलाते हैं तो बंदूक चलने के बाद कुछ मात्रा में पीछे हटती है, क्योंकि बंदूक गोली पर कुछ क्रिया करती है और गोली द्वारा भी आप उस पर एक प्रतिक्रिया होती है। इसी से बचने के लिए शूटर बंदूक को कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। इसी प्रकार रॉकेट को चलाने के लिए एक ऐसे फ्यूल का यूज होता है जो कि बहुत अधिक मात्रा में फोर्स क्रिएट करता है। जब ये फ्यूल बर्न होता है तो एक बहुत अधिक मात्रा में फोर्स क्रिएट होता है। रॉकेट को चलाने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। रॉकेट इंजन में इसी को फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है, और जब ये जलता है तो इसमें बहुत ज्यादा हाई रिएक्शन होती है, जिससे रॉकेट के नीचे एक बहुत अधिक फोर्स क्रिएट हो जाता है और रॉकेट ऊपर हवा में चला जाता है। तो चलिए देखते हैं रॉकेट किस प्रकार उड़ता है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा है।